हेलो एवरीवन, दिस इज आईयू सेंडियो और वाचिंग यूट्यूब वाला भाई। एंड आप लोग का बहुत देर से कमेंट आ रहा था कि भाई दो लैपटॉप अवेलेबल है कहाँ पे, अमेजॉन पे एंड फ्लिपकार्ट। एंड वो लैपटॉप है ऑनर मैजिक बुक X14 एंड X16। एंड दोनों लैपटॉप के बारे में बात करूंगा, X14 में यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कि X14 लेना है या X16 लेना है। ये वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करेगा, एंड ये वीडियो कंप्लीटली अगर आप वॉच कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड इस वीडियो में आप बढ़िया से एक अच्छा सा लैपटॉप परचेज कर पाओगे इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ पे लगाता हूँ इंट्रो और शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों मॉडल जो X14 एंड X16 कब लॉन्च हुआ था। तो पहले बात कर लूँ X14, ये भी अभी X14 का जो i5 वाला वेरिएंट आया है वो 2023 में ही लॉन्च हुआ है। एंड ऑनर मैजिक बुक X16 जो है ये भी 2023 में ही लॉन्च हुआ है। एंड इसमें भी हमें प्रोसेसर जो देखने को मिलता है इंटेल की तरफ से आने वाला i5 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। उसके बाद बाकी अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो पहले मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ उसके बाद। और इसमें 512 GB का SSD देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ SSD का क्या यूज होता है, आपका लैपटॉप में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे तो बहुत ही फास्ट मतलब उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आप जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हो चालू करते हो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप होता है। सेम टू सेम आपको मैकबुक वाला फील देने वाला ये ऑनर मैजिकबुक X14 में क्या है कि ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा कंफर्टेबल एंड बहुत ही साइज में स्लिम है, एक हाथ पे आप इसको आसानी से मतलब इधर से उधर ट्रेवल भी कर सकते हो लेके। एंड X16 में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि लैपटॉप का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, वो आप तभी परचेज करना जब आप घर में बैठ के ऐसे यूज करते हो। आगे अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो डिस्प्ले साइज जो है दोनों के लैपटॉप में बस वही एक अंतर है। डिस्प्ले साइज की अगर बात करूँ 16 इंच जो है 16 वाले में एंड X14 वाले में 14 इंच। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इसमें हमें विंडोज 11 होम देखने को मिलता है दोनों लैपटॉप में। एंड मैं बात कर लूँ ग्राफिक्स कार्ड, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मतलब कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ तो वही इंटेल की तरफ से आने वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंसर्टेड रहता है, एंड एक्स्ट्रा कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में बात करता हूँ जो कि मैं इस लैपटॉप में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके स्पीड जो है इसके बहुत ही अच्छा है इस लैपटॉप का। क्यों स्पीड अच्छा, क्योंकि इसमें हमें इंटेल की तरफ से आने वाला i5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड i5 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर प्रोसेसर स्पीड की बात करूँ तो 4.4 GHz का इसका प्रोसेसर स्पीड है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर स्पीड हुआ। मेरे पीसी में भी यही है जिसमें i5 का उसमें भी वही लगा हुआ, i5 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ एंड ये स्पीड बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। एंड साथ ही SSD जो लगा हुआ 512 GB का PCIe NVMe SSD लगा हुआ, जो कि मैं आपको बता दूं NVMe जो SSD होता है नॉर्मल SSD से थोड़ा सा ज्यादा ही फास्ट होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, SSD भी बहुत ही हाई लेवल का इसमें लगाया गया। कंप्यूटर जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो या शट डाउन देते हो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, मतलब समझ लो 10 सेकंड भी इस कंप्यूटर ओपन भी हो जाएगा बंद भी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। सेकंड जो सबसे चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है इसका एल्युमिनियम मेटल। जी हाँ, एल्युमिनियम मेटल बॉडी जो है इसका लुक जो है सेम टू सेम मैकबुक वाला फील देता है। एंड इसके बारे में अगर बात कर लो इसका जो थिकनेस है वो 16.5 इंच का थिकनेस है। एंड बेजल जो है ये बात देखो, ये बेजल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि पूरा मैकबुक में ऐसे ही बेजल रहता है तो ये चीज भी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बेजल के बाद जो होता है इंपॉर्टेंट वो होता है वेट। वेट की अगर बात करूँ तो इसमें 1.4 kg का इसका वेट है, 1.4 kg बहुत ही कम वेट होता है, एकदम नॉर्मल वेट है। आप इसको आसानी से 100 पे मतलब कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसे चाहो वैसे मतलब हैंडल कर सकते हो। एंड इसके वेट के कारण क्या हो जाता है, इस लैपटॉप को आप कहीं भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, इसको लेके कैरी भी कर सकते हो। एंड अगर आप स्कूल कॉलेज हर समय ट्रैवल करते रहते हो, कोई भी प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना तो आप लैपटॉप लो, आराम से इसको ऐसे गिराओ, अच्छा तो अपना प्रोजेक्ट डन करो, उसके बाद अपना कोई भी दिक्कत नहीं। एंड इसको अगर लाना फिर बैग में इंसर्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। तो ट्रैवल करने में भी इस लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं हो। आप जैसे ही लैपटॉप ओपन करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो लैपटॉप ओपन, ये फैसिलिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद अगर बात करूँ इसमें चार्जेस की एंड बैटरी बैकअप की बात करूँ तो चार्जेस की अगर बात करूँ 65 वाट का टाइप सी चार्जर इसमें देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करूँ 60 Wh बैटरी कैपेसिटी है एंड अप टू 12 आवर्स इसका लाइफ है। मैं एक बार यूज किया हूँ, मूवी देख रहा था 8 आवर्स कंटिन्यू मूवी चला इसमें, ये लैपटॉप मैं अपने मतलब बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात कर लो तो इसमें 2-in-1 फिंगरप्रिंट्स है। फिंगरप्रिंट्स 2-in-1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स है सेम वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे सेम इसमें मतलब लैपटॉप ऑन भी हो जाता है। जैसे आप फिंगर लगाओगे अगर आपका फिंगर मैच नहीं करेगा तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप आपका अनलॉक नहीं होगा, वो या तो पिन मांगेगा या आपका फिंगर मैच होना ही चाहिए। दूसरा जो है 14 इंच एंड 16 इंच इसमें फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि मैं कहूँगा कि अगर लैपटॉप परचेज करो फुल HD डिस्प्ले परचेज करो, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है आपकी आई के लिए। एंड इसके बाद अगर बात करूँ इसमें IPS एंटी ग्लास SKI दिया गया है, ये TOV को सपोर्ट करता है, जो कि क्या होता है वो जो लाइट होता है एक्स्ट्रा लाइट जो आता है उसको ये मतलब रिमूव कर देता है, जो कि आपके आईज के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ना, आपका आई हर समय प्रोटेक्टेड रहेगा इसके लिए। एंड सबसे बेस्ट एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें जो हमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने मिलता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बैकलाइट कीबोर्ड से क्या बेनिफिट होता है अगर लाइट कट जाता है या अंधेरा में यूज कर रहे हो, तो बैकलाइट कीबोर्ड आपको उस समय लगेगा अरे यार मैंने लैपटॉप में जो पैसा इन्वेस्ट किया बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया। उसके बाद वेबकैम की अगर बात करूँ तो वेबकैम 720p का इसमें वेबकैम देखने को मिलता है। एंड वेबकैम जो है इसमें ऊपर में नहीं है, इसके नीचे में बटन के पास है,
जो कि थोड़ा सा आपको कहीं पे ये दिक्कत होगा, वेबकैम के बारे में बात कर लूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। वेबकैम के मामले में इसलिए दिक्कत होगा क्योंकि इसका एंगल है वो सही से नहीं बैठ पाएगा, आपका लैपटॉप को खुद मैनेज करना होगा, अप डाउन करना होगा, उसी के मतलब तभी मैनेज हो पाएगा। इसके लिए मैं आपको बोला कि लैपटॉप में थोड़ा सा कैमरा के लिए दिक्कत होगा। तो सारा डिटेलिंग मैं आपको लैपटॉप के बारे में बता दिया। अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में बताऊँ कि मैं अगर लैपटॉप के बारे में आपको बताऊँ तो कौन सा लैपटॉप परचेज हो, तो मैं कहूँगा डायरेक्टली आप X14 परचेज करोगे या फिर X15 X15 थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। X60 आप तभी परचेज करना जब आपको घर में बैठ के लैपटॉप यूज करना, कहीं ट्रैवल नहीं करना एंड आप अपने लैपटॉप को एज ए स्क्रीन यूज करोगे तो ही परचेज करना। X60 थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है लेकिन आदमी के डिमांड पे लैपटॉप मार्केट में आया है। मुझे नहीं लगता कोई लोग X16 परचेज करेंगे क्योंकि लैपटॉप वही परचेज करते हैं जिनको ट्रैवल करना होता है एंड वही लोग परचेज करना जो ट्रैवल करते हैं साथ में वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ लैपटॉप का, बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग का यही डाउट था इस लैपटॉप में कि लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट होता है, तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके रूम में एसी नहीं है तो लैपटॉप डेफिनेटली हीट होगा। ये लैपटॉप मैं भी यूज कर रहा हूँ, ऑन चार्जिंग अगर आप लगा के रखते हो तो बहुत ही ज्यादा हीट होगा, ये मैं बता दूँ। उसके बाद दूसरा जो मेरा ये लैपटॉप में खराबी लगा कि वो एंगल सही से नहीं बैठ पाता कैमरा का। एंड तीसरा ये लगा X14 में कभी कभी मुझे ये लगता है कि साइज स्क्रीन का थोड़ा सा छोटा है, तो लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। एंड अच्छाई की बात करूँ बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा है लैपटॉप, बहुत ही स्लिम है, पूरा मैकबुक वाला कही देता है। बैक एंड कीपैड है, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है लैपटॉप का, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारी बातें इस लैपटॉप में। एंड उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लिए होंगे तो लैपटॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों ही लैपटॉप का, आपको जो भी लैपटॉप परचेज करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर परचेज कर देते। एंड थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस एंड केयरफुल डे।